अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब पर अपनी सबको बुरी घड़ी और बुरी बला से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, सातवां रोज़ा है और ये मैं अपने इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने समोसे की जो पट्टियाँ होती हैं उसका ज़ाहिर हिस्सा इसकी पापड़ी तल लेती हूँ, पापड़ी बना के इस्तेमाल करते हैं हम इसकी। और जो है अल्लाह से दुआ है कि आपने देखा होगा मेरे क्लिप्स में पहले कि मेरे जो शहर कराची की रौनकें ख़त्म हो चुकी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस रौनकों को बहाल कर दे और इस वबा को ख़त्म कर दे। आमीन सुमा आमीन। और ये जो समोसे हैं आपको नज़र आ रहे होंगे मैं भर रही हूँ, मैं एक हफ़्ते के तैयार करती हूँ और एक हफ़्ता तकरीबन हो चुका था तो ख़त्म हो चुके थे। ये मैंने फिर से तैयार करके इसको सेव करके मैं फिर रख लूँगी एक हफ़्ते के, क्योंकि फिर छोटा सा फ्रिज है तो जितनी तैयारी हो सकती है मेरी वो मैं कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मैं तुखमलंगा वन साफ़ कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा की शरबत के लिए, और ये जो है बहुत ठंडक देती है और इसके बहुत सारे फ़वाद हैं, जिसमें से एक फ़वाद जो है ये हारमोन्स को बैलेंस रखती है जो कि लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मेरे ये घर में जो है मैं हमेशा ही रखती हूँ, आम दिनों में भी रखती हूँ लेकिन रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है दूध के शरबत में और सादे शरबत में। और ये मैं शरबत में मैं जो हूँ चीनी जो है मैं डायरेक्ट नहीं डालती, उसका शीरा बना के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जो चीनी है वो ठंडे पानी में जाके घुलती नहीं है। तो शीरा बनाकर अगर आप रख लेंगे तो आपके बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, फौरन ही शरबत तैयार हो जाता है। दूध का शरबत अलग तैयार होता है और जो है पानी वाला शरबत अलग तैयार होता है, फिर उसमें हम तुखमलंगा डाल देते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत फ़ायदे का होता है। ये तैयारी तो ऐसे ही चलती रहती है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इफ्तारी का टाइम जो है हमें पता होती है कि इस टाइम रोज़ा खुलेगा, तो महदूद वक्त होता है उसमें तैयारी करनी होती है और अल्लाह अपने फजल करम से सारी तैयारी हमारी मुकम्मल करा देता है। और आज छोटे बच्चों का मेरे रोज़ा था तो इसलिए जो है ये चने जो है मैं बॉयल करके रखती हूँ, तो मैंने निकाले और फौरन ही इसको तैयार कर लिया, इसकी चाट बन गई। और चाट के लिए जो है ये ठंडे मतलब ओवन में आप इसको डिफ्रॉस्ट कर लें तो ये तैयार हो जाते हैं फौरन ही, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता अगर आप बॉयल करके रख लेंगे तो। आपने मेरे पहले क्लिप वगैरह में देखा होगा मेरी वीडियो को, और इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें आप लोग। ये चाट मेरी तैयार हो चुकी है और जो मैंने पापड़ियाँ तली थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं तो वो दही बड़ा चाट बन जाएगी। ये छोले की चाट थी और साथ साथ मैंने जो है और भी बहुत से काम होते हैं इफ्तारी के अंदर, सब मिलजुल के कर लें, बच्चे को भी शामिल कर लिया जाए तो बेहतरीन, बच्चे भी मसरूफ़ रहते हैं। ये मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, हरी प्याज थी और आलू के पकौड़े बना रही हूँ मैं, और इस और बच्चों के लिए सादे पकौड़े भी बनाए थे मैंने आलू के पकौड़े, ये हरी प्याज और आलू के हैं। और इसमें मैंने मसाला पहले से बैटर में मिला के रख लिया, तब ये शामिल करके मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और आलू के पकौड़े भी बनाए थे, बच्चों की फरमाइश पर बनाए जाते हैं, ख़ास तौर से बच्चे बहुत लाइक करते हैं तो इसलिए जो है आलू के पकौड़े तले जा रहे हैं। और रमज़ान मुबारक में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि गैस का भी मसला हो जाता है, अमूमन अगर एंड रोज़े का एंड हो और तो चूल्हों में गैस भी कम आ रही होती है। ये एकदम गैस आते आते मेरा जो चूल्हा है इसमें आँच हल्की हो गई थी तो मुझे बहुत देर लगी काफ़ी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अल्लाह अपनी रहमत से जो है हमारे सारे काम आसान कर देता है हम ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर से जो रमज़ान का महीना है उसमें जो है हम लोगों की पूरी कोशिश होती है कि हम अपने घरों में अपना अहतमाम करें। और अल्लाह से मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके दस्तरखानों को भरा रखे और अपनी जो रौनकें हैं रमज़ान की उनको बाहर करे। अल्लाह हमारी मस्जिदों को आबाद करे, हमारे खाने काबा की रौनकों को बहाल करे, मेरे शहर की रौनकों को बहाल करे
और हमारे कारोबारों को खोले अल्लाह मियाँ, खैरियत के साथ, आफियत के साथ। ये जो समोसे मैंने बनाए थे, मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, बेहतरीन तैयार हुए थे, चिकन के समोसे थे ये। इसी तरीके से चिकन के समोसे तैयार हो जाते हैं। अगर आप आलू के समोसे फ्राई पसंद करते हैं तो आप आलू के भी बना सकते हैं। और ये मैं चाट बना रही थी, बच्चे भी हेल्प करवाते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं मेरे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं ख़ास तौर से, वो तो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। और ये चाट मैं बना लूँ, ये चाट पे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं चाट पे जो हूँ टैंग मसाला डालती हूँ, चीनी डालती हूँ और चाट मसाला डालती हूँ इसके ऊपर, तो बेहतरीन चाट तैयार हो जाती है। और चाट खाना मकसद नहीं होता है हमारे दस्तरखानों के ऊपर, हम यही देखते चले आ रहे हैं अपने बड़ों से भी कि चाट होती है, समोसा होता है, ये चीज़ें होती हैं हमारे दस्तरखान पर, रोज़ा इन्हीं चीज़ों से इफ्तार किया जाता है। इसमें ख़ास तौर से हम ख़वातीन को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हम तैयार करें उसमें ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें मसाले के जो हाजम हमारा फ़ौरन हज़म हो जाए हमें, क्योंकि पकौड़े वगैरह जो हैं अमूमन सेहत के लिए थोड़े भारी हो जाते हैं। तो मैं एक दिन बीच करके कभी पकौड़े कभी समोसे तैयार कर लेती हूँ, रोज़ाना नहीं होता है दस्तरखान चाट, और ये चाट तो रोज़ ही होती है, लेकिन पकौड़े वगैरह जो हैं उसमें थोड़ा एहतियात के साथ बनाती हूँ। और ये मेरे बच्चे थे, तैयारी कर चुके थे नमाज के लिए, और आपको नज़र आ रहे होंगे जैसे कि बेटे साहब हैं, इन्होंने अरबी जुबा पहना हुआ है। और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।